तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा दसवां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी नौवां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे, जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूँ, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा पर क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, ये आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। आइए बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक साल में दे देंगे। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक हर आदमी की काउंटिंग कीजिएगा तो सिर्फ 23 लाख लोग 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। और कहता है हम सरकारी नौकरी देकर बिहार को सुधार देंगे। अगर मान भी लिया जाए कि दे देगा तो 98% आदमी को तो नौकरी से कोई लेना ही देना नहीं, ना है ना होगा, तो उसकी यात्रा को क्या देखें। भाई तेजस्वी यादव की क्या पहचान है, तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा, कम उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। लेकिन दुकान से लोग सामान खरीदने आए तब ना आपको कुछ उसकी क्षमता विद्वता देखी जाएगी। तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर हैं और लीडर इसलिए हैं कि वो लालू यादव के लड़के हैं, इतनी उनकी पहचान है। इसके आगे की पहचान उनको बनानी है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, करके कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं, ना विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री पाने से कोई आदमी समझदार हो जाएगा। हम लोग के माँ बाप दादी हर परिवार में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत समझदार हैं। परिस्थितिवश आप पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं था, साधन नहीं था, पैसा नहीं था, वो बात समझ में आती है। लेकिन जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं वो बच्चा दसवां नहीं पास किया, तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपकी सोच क्या है। जो आदमी नौवां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे, जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है वो समाजवाद पर चर्चा करेगा, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या, क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया है। ना जिसको भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, ना शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। इसीलिए ये दुर्दशा हुई है, ये ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ भगवान को आकर ज्ञान मिला है, बुद्ध महावीर जहाँ पैदा हुए वहां पर अनपढ़ और लंपटों को हम लोगों ने नेता मानकर और अपने आप को गर्वान्वित फील कर रहे हैं।
और ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार एक इंजीनियर हो गया तो लोग बता रहा है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अरे भाई, बिहार के हर गांव में नीतीश कुमार से ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे।